अगर आपकी दाढ़ी में भी एक भी बाल नहीं है, आपकी दाढ़ी पूरी बंजर पड़ी है, उसमें कहीं पर भी खेती नहीं हो रही बालों की, तो आप बाल कैसे उगा सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पूरे फेस पर एक भी बाल नहीं होगा, काला ब्राउन ब्राउन हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स हैं, लेकिन जो बाल हैं वो दाढ़ी वाले बाल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट्स आपको यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपकी दाढ़ी की ग्रोथ हो जाए। अगर आपके फेस पर पतली पतली रूमें आ रही है, ब्राउन ब्राउन जो कि भूरी भूरी रूमें होती है, अगर ऐसी आ रही तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपकी दाढ़ी आने की शुरुआत होती है। आप इसको आपकी दाढ़ी में परिवर्तित कर सकते हो, यानी जो आपकी ब्राउन हेयर्स है उसको आप ब्लैक, काले, घने, मोटे कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, देखो, अगर ये आपको 15-16 साल की एज में अगर आपको इतनी दाढ़ी आ गई, इतनी दाढ़ी तो आपको आ जाना चाहिए वैसे तो। अगर कहने का मतलब जो है, अगर 15-16 साल में भी आपकी ब्राउन ब्राउन हेयर्स भी नहीं आ रहे आपकी दाढ़ी की जगह पे, तो फिर आपके दाढ़ी कभी भी नहीं आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके ऐसे ब्राउन हेयर्स आ रहा है जिसको कि बेबी हेयर्स बोलते हैं, तो उसको आप सेव करना स्टार्ट कर दे, यानी दाढ़ी की सेविंग करना स्टार्ट कर दे। 15 से 20 दिन में आपको एक बार सेविंग करना है, आप मंथली सेविंग कर सकते हैं, एक महीने में एक बार, जिससे कि जो आपके पतले पतले बाल है, ब्राउन ब्राउन रूम्स है, वो कट कट के वो मोटे होने लग जाएंगे, वो हेयर्स का कलर आपको ऑटोमेटिक चेंज होता दिख जाएगा, वो जो हेयर्स है वो ब्लैक होने लग जाएंगे, यानी काले घने मोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसी के साथ आपको एक ट्रीटमेंट शोर्ट करना है, आपको नारियल जो तेल रहता है, जो कोकोनट ऑयल जो रहता है, उसको आपके पूरे फेस की एवरी डे नाइट में मसाज करके सोना है, जिससे कि आपके फेस का ब्लड का प्रेशर मैनेज रहे और आपके दाढ़ी के बालों तक वो सप्लाई हो। अगर आपके दाढ़ी के बालों में अच्छा ब्लड प्रेशर पहुंचेगा, अच्छा ब्लड आपके दाढ़ी के बाल जाएंगे, यानी आपके दाढ़ी के बालों में अच्छा ब्लड पहुंचेगा, तो आपके दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी से ग्रोथ होंगे। तो अगर आपकी 15-16 साल की एज में अगर आपकी ऐसी बियर्ड आ रही है, तो आप उसको 2-3 साल में नेचुरली ग्रोथ कर सकते हो, कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेविंग करना कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और जो कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लगाना भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये तो आप कंपलसरी आप कर सकते हो, जब तक आप दाढ़ी को रखना चाहते हो, अच्छा दिखाना चाहते हो, तो ये तो सिंपल सा जो नेचुरल होता है, जो कि हर कोई फॉलो करता है, मैं भी करता हूँ, आपको भी फॉलो करनी चाहिए। बियर्ड पर या फेस पर कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए, कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, जिससे कि आपको आगे कोई सी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपके भी दाढ़ी का एक भी बाल आपके फेस पर नहीं है, बिल्कुल बंजर खेती है, तो मैंने आपको जो बताया वो आप यूज़ करें, बिल्कुल नेचुरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आपके बियर्ड भी आप ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम्स 18-19-20 साल की एज में आती है, तो फिर आपको इस ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, फिर आगे आपको और ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आपको कौन से ट्रीटमेंट्स करने चाहिए, उसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बना रखे, आप वो वीडियोस जाकर देखें, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।